इस तो नए ट्रेडिशनल स्टाइल में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि पहली वीडियो में जो अब मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ, उस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि नेल्स में फिंगर्स के नाम क्या क्या होते हैं और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या क्या हम बोलते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता कि हमारे नेल्स में कुछ चीज़ें भी होती है, ऐसे पार्टिकल्स जिसको हम क्या क्या ना बोलते हैं, क्या क्या नाम होता है उनको, उनको ये सब चीज़ें मालूम नहीं होता। तो आज मैं बताऊंगा और देखो आप बिल्कुल ध्यान से देखना और मैं धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें एक एक पॉइंट समझाऊंगा। तो प्लीज़ फोकस करके देखना कि मैं क्या क्या नाम बता रहा हूँ, क्या क्या। थैंक यू सो मच गाइस। तो देखो ये हमारा पूरा डायग्राम है जिसको हम हमारे जो ये खुद के नेल बेस है ये उसका डायग्राम है, तो आप इसको देख सकते हो। जो देखो इसके अंदर ये वाला पार्टिकल्स है, ये वाला, ये इसको बोलते हैं नेल प्लेट। तो देख दो गाइस नेल प्लेट होता क्या है, तो मैं आपको अपने फिंगर के उस पर दिखाऊंगा कि नेल प्लेट होता क्या है। तो ये जो एरिया हमारा ये ऊपर का एरिया होता है इसको हम नेल प्लेट बोलते हैं, जो ये ऊपर ऊपर का प्लास्टिक का एरिया वो हम जो है उसको बोलते हैं हम नेल प्लेट, ठीक है। और दूसरा आता है नेल बेड, तो ये है नेल बेड, जो ये एरिया है उसको बोलते हैं हम नेल बेड। तो जो ये प्लेट है नेल प्लेट के जो अंदर का एरिया होता है, जैसे कि गाइस देखते हैं हम ये, जैसे कि नेल हम प्लेट को इसको उखाड़ देते हैं तो उसके अंदर का जो अंदर पोर्शन का एरिया होता है उसको बोलते हैं हम नेल बेड। ये पूरे अंदर जो होता है वो नेल बेड होता है पूरा हमारा, ठीक है। अब आई बात दूसरी लूनूला, तो हम बोलते हैं नूलूला किसको बोलते हैं। तो गाइस आपने कभी भी देखा होगा अपने नेचुरल नेल्स के ऊपर जो बेस के ऊपर होता है वो व्हाइट व्हाइट पार्ट्स होते हैं, जो ये पार्ट आपको दिख रहा होगा इसके अंदर जो व्हाइट व्हाइट पार्ट होते हैं इसको बोलते हैं हम नूनूला। तो ये देखो गाइस जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया इस पार्ट को हम बोलते हैं लूनूला। तो ये दिख रहा होगा आपको जो हल्का हल्का व्हाइट होता है आप अपने नेल्स के ऊपर भी देख सकते हो, उसको हम लूनूला बोलते हैं। तो इसके बाद आता है हमारा क्यूटिकल्स, तो ये देखो ये क्यूटिकल होता है, ये लाइनिंग जो पीछे की जा रही होती है ना हमारी, इसके अंदर हम इसको बोलते हैं क्यूटिकल। तो गाइस जैसे कि मैं दिखाऊंगा अपने बेस पे, जो ये पार्ट होता है हमारा पीछे का ये एरिया ये होता है हमारा, जब हम उसको पुशर से पुश करते हैं तो ये पूरा क्यूटिकल्स एरिया हमारा बाहर आया जाता है, तो इस एरिया को हम क्यूटिकल बोलते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब नेल बॉल की बात करते हैं, तो नेल बॉल की बात होती है जो हमारे इस साइड के बॉल होते हैं इसको हम बोलते हैं नेल बॉल। इस साइड को हम नेल बॉल बोल सकते हैं, जो हमारे ये साइड्स होते हैं इसको हम नेल बॉल बोलते हैं। और अब बात आती है फ्री एज की, तो फ्री एज जो हमारा ये होता है, जैसे मेरे तो नेल्स है नहीं तो इसमें मैं उतने दिखा नहीं सकता, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि लड़कियों के तो होते हैं खैर, तो इसके अंदर जो आगे का पार्ट होता है ना जो नेल्स आते हैं नेचुरल नेल्स, तो उसको हम बोलते हैं फ्री एज। जो हमारा जो आगे की तरफ निकला होता है ना, जैसे गाइस ये देखो ये पूरा फ्री एज है, तो ये जो गाइस यहाँ के आगे के पार्ट होते हैं उसको हम फ्री एज बोलते हैं। जब भी हम इसको नेल कट से कट करते हैं तो इसके अंदर खून नहीं निकलता हमारा, तो जो वो होता है ना इसके अंदर मांसपेशियां नहीं होती, तो इसके अंदर हम इसको जब कट करते हैं तो इसके अंदर खून नहीं निकलता। फिर अब ये देखो हम आ रही आते हैं फिंगर की बारी, की फिंगर को हम क्या क्या बोलते हैं। तो गाइस जो ये छोटी फिंगर होती है इसको हम लिटिल फिंगर बोलते हैं, और जो ये रिंग फिंगर होती है तो हम इसको जो बोलते हैं रिंग फिंगर, और जो ये बीच की फिंगर होती है इसको बोलते हैं मिडिल फिंगर, और जो साइड की फिंगर आती है इसको बोलते हैं हम इंडेक्स फिंगर, और ये तो पता ही होगा गाइस इसको बोलते हैं हम थंब। तो ये देखो आप पांचों फिंगरों के नाम भी मैंने आपको सब चीज़ बता दिया, क्लियर हो गया। तो गाइस मैंने आपको जो जो थ्योरी थी हमारी, जो जो पार्टिकल्स होते हैं नेल्स के पार्ट होते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, और कोई भी मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे प्लीज़ मुझे मैसेज करें और या मुझे बता, आप लोगों को कुछ नहीं आया उसके अंदर कुछ पता ना चले आपको कि मैंने गलत बताया तो उसमें मुझे कमेंट्स करना, मैं आपको ज़रूर उस चीज़ को दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा गाइस। और प्लीज़ सपोर्ट करना और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना यार, देखो आप सपोर्ट करोगे तो बस आगे ग्रो होना है गाइस, बस इसलिए मैं ये वीडियोस वगैरह बता रहा हूँ। और जो इंसान होते हैं जिनको पैसे के लिए थोड़ा दिक्कत हो रही है बस उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि वो मेरी वीडियो देखें और घर पे भी कहीं से प्रोडक्ट लेके प्रैक्टिस करके कुछ सीख सकें। थैंक यू सो मच गाइस।